सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। मिस्टर कौशल चैनल पर आपका स्वागत है। ये है जमुन एजेंसी मेरी बिलासपुर की। यहाँ पर आ चुकी है BS6 HF डिलक्स। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। तो भाई, आज मैं आपको इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, इसमें कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। यदि आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है जो इस बाइक की कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का दावा है कि ये जो बाइक है BS4 से जो है 10% ज़्यादा आपको माइलेज देगी। ये कंपनी का दावा है क्योंकि इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन लगे हैं जो आपको ज़्यादा माइलेज देंगे कार्बोरेटर के मुकाबले। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिएगा, यदि आप इस बाइक को खरीदने जा रहे हैं तो आपको इस बाइक के अंदर 2 लीटर जो पेट्रोल है वो कंपलसरी है। आपको इस बाइक के अंदर 2 लीटर पेट्रोल रखना ही पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि भाई, जैसे BS4 में आप 20-30-50 रुपए का पेट्रोल डलवा लेते थे और वह चलती रहती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होने वाला। ये जो बाइक है, इसको आप कई बार जो थे वो बाइक को थोड़ा तिरछा कर लेते थे स्टैंड पे लगा के और फिर थोड़ा बाइक को चला लेते, वो सिस्टम इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर पेट्रोल टी जो है, जिससे हम पेट्रोल को खोलते और मेन रिजर्वर लगाते थे, खोलते और बंद करते थे पेट्रोल को, तो वो सिस्टम भी भाई इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसके अंदर कभी आप ये देखेंगे भाई, इसका पेट्रोल ऑन ऑफ का टी कहाँ पे है, वो इसके अंदर नहीं है। इसका जो मीटर है वो एनालॉगिक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए। सिर्फ इसके अंदर जो इसका मीटर है उसके अंदर एक ये अलग से लाइट दी गई है, जिसे हम माल फंक्शन लाइट बोल देते हैं। ये FI का इंडिकेटर है फ्रेंड्स। यदि कोई FI के अंदर प्रॉब्लम आएगी, ECU में कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी सेंसर में प्रॉब्लम आएगी, तो ये लाइट आपको बता देगी कि भाई कौन सा सेंसर इस बाइक का ख़राब हुआ है। इस बाइक की एक खासियत और है फ्रेंड्स, यदि ये बाइक जो चलते चलते आपके पास से गिर जाती है तो इसके अंदर जो है आपको बैंक एंगल सेंसर देखने को मिलेगा, जो ये बाइक जैसे ही ये नीचे गिरेगी ये तुरंत ये बाइक बंद हो जाएगी। और इस बाइक की एक खासियत और सबसे बड़ी ये है कि आपको इस बाइक के अंदर ना, जैसे आप BS4 के अंदर चौक वगैरह लगाते थे, तो इसके अंदर वो सिस्टम है ही नहीं। आपको चौक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, जब इस बाइक को चौक की ज़रूरत पड़ेगी ठंड के समय या कभी भी, तो ये ऑटोमेटिकली ही इसका जो फ्यूल इंजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ही पेट्रोल की खपत को बढ़ा देगा और इस बाइक को चौक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके जो ग्राफिक वगैरह है वो कंपनी ने चेंज किए हैं, इसको थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश की है कंपनी ने, ताकि आपको देखने में ये और ज़्यादा सुंदर लगे। इसकी जो लाइट है वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चलती थी डे नाइट। आप जब भी बाइक स्टार्ट करेंगे लाइट आपकी ऑफ नहीं होने वाली। तो देख सकते हैं बाइक बड़ी सुंदर है। अब इसके अंदर जो चेंजेस कंपनी ने किए हैं वो मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ, क्या क्या इसके अंदर कंपनी ने चेंजेस किए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके और चेंजेस के बारे में आपको बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर कंपनी ने चेंज किया है। तो सबसे पहला चेंजेस हुआ है इसके टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स थोड़ा चेंज किया गया है क्योंकि भाई इसके अंदर से कार्बोरेटर को निकाल दिया गया है, FI लगा दिया गया है। देख सकते हैं टूल बॉक्स पे FI की बैजिंग है, जो पहले केवल यहाँ पर पावर स्टार्ट लिखा होता था, ये इसके अंदर चेंज किया गया है टूल बॉक्स का। इसका टूल बॉक्स अलग है। और अगला चेंजेस बाइक के अंदर किया गया है रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर जो था पहले HF डिलक्स का जो था वो सीट के नीचे होता था, लेकिन अब जो रेक्टिफायर है वो दिया गया है इस टूल बॉक्स के पास, जहाँ कार्बोरेटर लगा होता था पहले। और जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है BS6 के अंदर, वो देख सकते हैं इस बाइक के अंदर थ्रोटल बॉडी लगा है, जो पहले कार्बोरेटर हुआ करता था, अब उसका काम थ्रोटल बॉडी करेगी। और इसके अंदर लगा है ये फ्यूल इंजेक्शन, जो इस बाइक की जो माइलेज है उसको 10% बढ़ा देगा, जिससे ज़्यादा माइलेज देगी इस फ्यूल इंजेक्शन के कारण। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो आपको BS6 सभी बाइकों के अंदर मिलने वाला है। और अगला चेंज किया है कंपनी ने इस बाइक के ब्रेक पैडल पे। ब्रेक पैडल पे ये आप देख सकते हैं एक अलग से जो है एक स्पॉट लगा दी है, पत्ती लगा दी है, जिससे आपका जो पाँव है वो इंजन की तरफ नहीं जाएगा। और कई बार आपने देखा था जो HF डिलक्स थी उसका जो चैम्बर था राइट साइड का, इस चैम्बर का कलर तक उतर जाता था आपके जूते या फिर चप्पलों के कारण, जब आप इस पर ब्रेक वगैरह लगाते थे, तो अब आपको उसकी टेंशन नहीं है। अगला चेंज हुआ है इसके साइलेंसर में, जिसमें लग गया है कैटलेटिक कन्वर्टर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को अब जो है वो
कम कर देगा और हमारा जो वातावरण है वो सेफ रहेगा। अगला चेंजेस हुआ है इसके अंदर, ये सेंसर लगाया गया है भाई इसके जो हेड है वहाँ पर, ये है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर जो है इस बाइक की माइलेज को देखता रहेगा कि कितना फ्यूल आ रहा है, कितनी एयर आ रही है, सब कुछ ये देखेगा। और अगला चेंजेस हुआ है इस बाइक के चैन कवर के अंदर। चैन कवर जो पहले था HF डीलक्स के अंदर वो लोहे के थे, लेकिन अब ये फाइबर के आ चुके हैं, जैसा आप TVS स्पोर्ट्स या फिर प्लेटिना वगैरह में देख चुके हैं। और ये जो कवर है, ये कवर पहले सिल्वर रंग का होता था, लेकिन अभी इन्होंने इसको ब्लैक कर दिया है BS6 बाइक के अंदर। ये भी फाइबर का ही है, तो ये इन्होंने इसके अंदर यहाँ पर भी चेंजेस किए गए हैं। और अब करते हैं अगले चेंजेस की बात। यहाँ पर जो इसका सिलेंडर है, सिलेंडर पे लगा है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर वो सेंसर है जो इस बाइक को बताएगा कि कब इस बाइक को कितना पेट्रोल चाहिए, चौक की ज़रूरत है या नहीं है। और ये है इसका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो है इसका बड़ा दिया गया है 125 वाट का, यानी कि 10.5 एम्पेयर के आसपास, जो पहले 115 वाट का हुआ करता था HF डीलक्स में, जो 9.5 एम्पेयर के आसपास ही जो था करंट जो था वो पैदा करता था। और भाई इसके वाइजर पर लगा है हीरो का 3D लोगो, जो इसके अंदर चेंजेस किया गया है। ये है इसका ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट, जो इस बाइक का सारे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। और लास्ट चेंजेस जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मुझे नज़र आया इस बाइक के अंदर जो लगा मुझे, वो है इसके चाबी स्विच के अंदर। चाबी स्विच में देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो जिसमें ये स्विच रुका है वो है स्क्रू वाले बोल्ट, जो पहले एलेंकी हुआ वाले हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई इसके लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।